Hey guys, welcome back to the channel. This is Side Dental Vlogs. और आज हम डिस्कस करेंगे वो तीन मेजर कॉज जो कि अल्सर्स प्रोड्यूस करते हैं माउथ में. काफी रिसर्च टॉपिक है, काफी सर्च टॉपिक है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ अल्सर्स, अल्सर में घाव, मुंह में घाव होने के कारण. तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हम लोग देखते हैं और हमको ये पता नहीं चलता कि हमारे अंदर ये अल्सर हो क्यों रहा है. तो देखिए, अल्सर दो तीन टाइप का होता है. आइदर एक बड़ा अल्सर होगा या फिर बहुत छोटे छोटे मल्टीपल अल्सर्स होंगे. अगर माउथ में अल्सर्स होता है उसके साथ कभी कभी हमारे बॉडी में भी इफेक्ट आता है, जैसे कि फीवर आ गया या फिर हल्का सा बॉडी एक हो गया या मलेज हो गया, जैसे कि काम करने ना करने की इच्छा. तो अगर आपको अल्सर्स विद बॉडी सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब कि आपको कोई टाइप का वायरल इन्फेक्शन है या फिर कोई सिस्टमिक डिजीज है उसकी वजह से हो रहा है, तो जो मेन पहला कारण जो होता है अल्सर्स होने का वो होता है स्ट्रेस. कोई भी टाइप ऑफ स्ट्रेस अगर आप लेंगे, जैसे कि आप बहुत ज्यादा धूप में घूमे हैं या फिर आपका कोई एग्जाम आ रहा है सामने या फिर आप किसी बात को लेकर टेंशन में हैं, तो उसकी वजह से हमारे माउथ में एप्थस अल्सर जैसे स्ट्रेस अल्सर आते हैं. अगर एप्थस अल्सर में नहीं हुआ तो अगर आप बहुत धूप में घूम रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी वजह से हर्पेस सिम्प्लेक्स इंड्यूज अल्सर भी हमारे माउथ में हो सकते हैं. दूसरा कारण अल्सर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है अगर आपको हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अगर लो है या फिर कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है. तो वो कैसे पता चलेगा? तो वो आपको ब्लड टेस्ट से पता चलता है, लाइक अपने कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है सीबीसी या फिर टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ये सब कराने के बाद वो पता चलता है कि किस वजह से हमारे माउथ में अल्सर्स हो रहे हैं. तीसरा कॉज होता है जो मेन हमारा आता है कि अगर हमको कोई टाइप ऑफ लिकोप्लिका इंड्यूज या लाइकेन फाइनस इंड्यूज अल्सर, जैसे कि स्मोकिंग और जो च्यूएबल टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वजह से भी अल्सर हो सकता है. तो तीसरा टाइप का अल्सर होता है वो काफी डेंजरस होता है बिकॉज इट मे लीड टू कैंसर. अगर आपको लिकोप्लेकिया है और आप फिर भी स्मोक किए जा रहे हैं या फिर गुटखा लिए जा रहे हैं, तो वो लिकोप्लेकिया से स्पेकल लिकोप्लेकिया बन जाएगा, जिसमें वेरिकस लिकोप्लेकिया छोटे माइन्यूट छोटे छोटे अल्सर्स होते हैं एंड वो लेटर एरिथ्रोप्लेकिया एंड कैंसर में डेवलप हो जाते हैं. उसी तरह लाइकेन प्लैनस, अगर रेटिकुलर लाइकेन प्लैनस होता है तो वो उसमें तो अल्सर नहीं होता, लेकिन वो जब नेक्स्ट स्टेज में जाता है इरोसिव लाइकेन प्लैनस, तब उसमें अल्सरेशन आने लगती है. तो उसका चांस तो बहुत कम होता है कैंसर में कन्वर्ट होने में. और तीसरा जो ड्रेडेड डिजीज जो बहुत लोगों को है भी ओएसएमएफ, उसमें भी डिफरेंट स्टेजेस में स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री में अल्सर्स वगैरह आते हैं जो कि रिकरेंट होते रहते हैं. ऐसे अल्सर्स के अनगिनत कॉज है, साइक्लिक न्यूट्रोपेनिया हो गया, ऑटोइम्यून डिजीजेस जैसे कि एड्स हो गया या फिर हर्पिस या फिर हेपेटाइटिस, इन सब में किडनी डिसऑर्डर्स में माउथ में अल्सर्स आते हैं. तो ऐसे बहुत सारे कारण है. अब बात करते हैं इलाज की, ट्रीटमेंट कैसे करें इन सब अल्सर्स का. देखिए, सबसे पहला ट्रीटमेंट आपको जो लाइफस्टाइल चेंजेस मॉडिफिकेशन करना होता है, लाइक डाइट. डाइट में कैसे कर सकते हैं हम? डाइट में जैसे कि ज्यादा तला हुआ चीज, पूरी ये सब और छोले भटूरे समोसे ये सब नहीं खाना चाहिए. अब डाइट में थोड़ा सा जैसे कच्चे चने को पानी में भिगो के जो स्प्राउट्स होता है वो आप खाइए. न्यूट्रिशन लेवल को थोड़ा सा हाई रखिए, सैलड्स खाइए, उसमें काफी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स रहते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ये सब जो हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत सही अमाउंट में रहते हैं, उसकी वजह से अल्सर नहीं होते हैं. जितने भी आपके गुड फूड्स हो गए, जैसे कि प्रोसेस्ड जो नहीं होते हैं, जैसे कि ओट्स हो गया या फिर आपके चीला हो गया या फिर आपके मूंग दाल की जो सब्जी होती है, वो सब आप खाइए. जो होम मेड फूड, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलेंगे. एंटीऑक्सीडेंट्स आप अगर आपको घर में उतने आप बाहर रहते हैं तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि हो गया वीक और गोल्ड कैप्सूल्स आप खा सकते हैं या फिर ऑक्सीटार्ट खा सकते हैं. ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं अच्छे अच्छे मेडिसिन, आयराइड वीक और गोल्ड एक्चुअली और भी बहुत सारे मेडिसिन है, ऑक्सीटार्ट भी बहुत अच्छा है. तो उसको आप लेके क्या कर सकते हैं कि आप रेगुलर डेली एक एक खा सकते हैं 6 मंथ्स तक, ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर, ऐसे नहीं कि खुद जाके खा रहे हैं. तीसरा जो मेंटल टेंशन है आपको माइंड में कम करना है. अगर वो आप नहीं कम करेंगे तो आपका लाइफ में कभी भी स्ट्रेस खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा और अल्सर्स ऐसे माउथ में आते रहेंगे. और जो मेन चीज है, अपने माउथ को मिरर में नहीं देखना है. उससे क्या होता है कि और स्ट्रेस होता है कि ये क्या हो गया, कहीं ये कैंसर में तो नहीं चेंज हो जाएगा क्या, कुछ तो ये दूसरी चीज नहीं है या फिर क्या, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे आप सोचने लगेंगे. और फिर क्या होता है कि आपके जो थॉट प्रोसेस, उसमें क्या होगा कि आपके जो हार्मोन लेवल है बॉडी में कॉर्टिसोल इंक्रीज होगा, फिर दोबारा उससे अल्सर आएगा. तो मेनली स्ट्रेस कम करिए, डाइट मॉडिफिकेशन अच्छा करिए, आप करक्यूमिन एप्लीकेशन जो हल्दी होती है कच्ची हल्दी भी लगा सकते हैं अपने माउथ में, या फिर रॉ टोमेटो सैलड्स वगैरह भी खा सकते हैं, तो उसमें लाइकोपीन रहता है, कैप्सिकम में कैप्सिकिन रहता है. तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है तो वो आप यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं. ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हुए हैं, जैसे कि यूज ऑफ एलोवेरा आप गाल में लगा सकते हैं, कैसे हल्दी को लगाना है,
कैसे आपको टोमेटो एक्सट्रैक्ट आप यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो ऐसे ही सारी वीडियोज मेरे चैनल पे हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। मैंने लिंक भी शेयर किया हुआ है काफी वीडियोज में, तो आप जाके देखिए और इन सब चीजों से आपको निवारण मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आए प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा एज वेल इन साई_डेंटल। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।